डिस्कॉम के तकनीकी कर्मचारी के साथ मारपीट कर जाती सूचक शब्दों से किया अपमानित। बप्पाप क्षेत्र के देदासरी गांव में स्थित 33/11 KVGSS पर कार्यरत डिस्कॉम के एक तकनीकी कर्मचारी के साथ मारपीट व गाली गलौज कर जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का मामला बप थाने में दर्ज हुआ है। सीआई कैलाश दाम चारण ने बताया कि पीड़ित कर्मचारी रजत सांठला निवासी श्री गंगानगर ने प्राथमिकी पेश कर बताया कि वह जीएसएस तेदासरी पर तकनीकी कर्मचारी के पद पर कार्यरत है। मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे धौलिया द्वितीय फीडर का शटडाउन लिया हुआ था। इस कारण उसके मोबाइल पर उपभोक्ताओं के बार बार कॉल आ रहे थे कि विद्युत आपूर्ति वापस कब चालू होगी। इस कारण उसका फोन बिजी चल रहा था। जब कॉल कटा तो देदासरी निवासी हासिम पुत्र निजामदीन मुसलमान का कॉल आया तथा पूछा कि इतनी देर किससे बात कर रहा था। प्रार्थी कुछ जवाब देता इससे पूर्व ही हासिम ने उसको भद्दी गालियां निकाली। इसके बाद हासिम जीएसएस परिसर में आया तथा प्रार्थी के साथ धक्का मुक्की कर मारपीट की एवं जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। इस घटना के विरोध में भारतीय मजदूर संघ से जुड़े पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने डिस्कॉम कार्यालय व उपखंड अधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना देकर प्रदर्शन किया। विद्युत कर्मचारियों ने मारपीट के आरोपी आश्रम कान को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग करते हुए संपूर्ण कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। इस मामले में सीआई कैलाश दाम चारण ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही है।